मैं यहाँ पर सीआईआई वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा आर के गांधी सर और हेमंत वर्मा जी मंच पर मौजूद हैं। निवेदन करता हूँ कि पुष्पगुच्छ से मंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करें। आइए कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं। और उद्योगपति भी मध्य प्रदेश का है, तो आपका आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा, हम सफलता के नए आयाम छुएंगे और मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में अपना भी सहयोग करेंगे। कुछ चीजें हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि आज श्री सिंधिया जी भी और छत्तीसगढ़ के काम करने वाले मजदूर लोगों को भी मैं बधाई देता हूं। आज भूपेश बघेल का सरकार छत्तीसगढ़ में 4 साल हुआ है, 4 साल में 2 साल देश में महामारी आया था, कोरोना आया था, तो 2 साल में हम लोगों को हमारा सरकार को काम करने का मौका मिला है। उद्योग के बारे में हम लोग मेरे सरकार मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गडगे साहब ने मेरे को ये उद्योग विभाग का दायित्व सौंपा है। मैं जब से हमारे उद्योग विभाग में हिदायत मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं इतना विशेष परिस्थिति होने के बाद भी हम छोटा सा राज्य में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लड़ाई चल रहा था कोरोना। बड़े बड़े विकसित देश आराम हमारे हिंदुस्तान में आसूता नहीं थे, छत्तीसगढ़ में छोटा सा प्रदेश में जब राजधानी दिल्ली में लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे थे, तो इस छत्तीसगढ़ में सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू ने स्टेप प्लान जो हमारे दुर्ग जिला में चालू किया है उसी का परिणाम ही देश में महामारी आया। राजधानी में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे,
उसके बाद हम लोग यहां से ऑक्सीजन दिल्ली भेजे हैं। इस बात का खुशी है दिल्ली नहीं भेजे, मुंबई भेजे, महाराष्ट्र में, गुजरात भेजे जहां इस देश के प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश भेजे, मध्य प्रदेश में भेजे, तमिलनाडु कर्नाटक में भेजे। तो इस बात का खुशी है उतना बड़ा महामारी में छत्तीसगढ़ और सिर्फ झारखंड से ज्यादा ऑक्सीजन गया है। यहां पर भिलाई स्टील प्लांट, कोरबा बालको और तुम्हारा जिंदल, इनके माध्यम से हम लोग उस समय हम लोग ने मदद किया है। जहां तक उद्योग नीति का मामला है, छत्तीसगढ़ बंद के 22.5 साल हो रहा है। 22.5 साल में हमारा छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति नहीं थी। जब हमारा मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्योग नीति सबसे अच्छा हो, सबसे कारगर हो, उद्योगपति को परेशानी नहीं हो, हम लोग पहले आह्वान किए हैं। जब भी उद्योग नीति बनता है एसी में बैठ के मंत्रालय में आईएएस अधिकारी लोग बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पहला बार है हमारे सरकार के महाराज राम राम, जी। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा आकांक्षा सत्यनारायण शर्मा जी का यहाँ पे स्वागत करेंगी, और हमारे साथ में वरिष्ठ विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका तहे दिल से स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं अभी हमारे वरिष्ठ विधायक और इस क्षेत्र के रायपुर के बड़ा नेता है, मैं उनको बधाई देता हूं और सब लोग ताली मार के स्वागत करना है। और मैं अभी बोलने जा रहा था कि एसी में बैठ के बना उद्योग नीति बनता था, लेकिन भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बना छत्तीसगढ़ में, हम लोग बोले कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छा उद्योग नीति बनना है। हमारा अधिकारी बम्बई गए, गुजरात गए, मैं भी आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना गया। आज के डेट में सबसे उद्योग नीति पहले गुजरात का था, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद जो मध्य प्रदेश आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना। आज के डेट में तेलंगाना का उद्योग नीति सबसे अच्छा है। उसके बाद हम लोग 2020 में अभी देश में सबसे उद्योग नीति हम लोग छत्तीसगढ़ में बनाए। छत्तीसगढ़ में हम लोग उद्योग नीति में परिवर्तन करके हम लोग 3 इच्छा में बैठा है। तुम्हारा रायपुर, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग में बहुत उद्योग है, लेकिन ट्राइबल एरिया में सरगुजा बस्तर में नहीं है। उसके कारण है हमारा सरकार ने 3 इच्छा बांटा है। अगर रायपुर में कोई उद्योग लगेगा उसको 100 रुपया लगाएगा तो 100 रुपया सरकार देगा। अगर दुर्ग में बनाएगा, नांदगाम सेट बनेंगे, वहां 100 रुपया में 60 रुपया मिलेगा। बस्तर में 100 रुपया लगाए तो 150 रुपया मिलेगा, और सरगुजा में ऐसे ही दोनों जगह आदिवासी एरिया होने के कारण नीति बनाए हैं। मतलब आपने अपने क्षेत्र में ज्यादा दे दिया, 100 का 150 दे दिया है। नहीं, मेरे क्षेत्र होने के कारण नहीं है, हमारा तो मंत्रिमंडल पूरा छत्तीसगढ़ का होता है, लेकिन वहां उद्योग नहीं है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोग
जानते थे कि बस्तर के लोग सरगुजा के लोग पलायन नहीं करते हैं। जब कोरोना महामारी आया, लॉकडाउन हुआ, तब पता चला कि बस्तर के लोग भी तमिलनाडु गोवा जाते हैं। इसलिए हम लोग तय किया है, उधर ऐसा भी टोरा है, महुआ है, इमली है, वनोपज है। तो आपकी सरकार तो 7 से बढ़ाकर 60 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है। तो हमारा सरकार वनोपज पहले 12% 6% 10% वनोपज खरीदी थी, अभी 62% वनोपज खरीद रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री का सोच है, हमारे सरकार का विचार है कि वहीं पर उद्योग लगे और वहां पर फैक्ट्री लगे तो तब वहां के लोगों को रोजगार मिले। आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों का जमीन है, हम लोगों भी तय किया है कि आदिवासी का जमीन पट्टे का जमीन 1 इंच भी नहीं लेगी। जहां भी सरकारी छोटे जंगल बड़े जंगल सरकारी लैंड होगा वहीं पर उद्योग लगेगा। और कुछ दिन अभी हमारे व्यापारी लोग वहां पर लगातार भूमि का चयन कर रहे हैं। तो इस प्रकार उद्योग नीति बनाए, हम लोग अभी दान से एतल बनाने का 5 जगह हम लोग 7 जगह भेजे थे बेमेतरा, तुम्हारा जांजगीर चांपा और तुम्हारा महासमुंद सरगुजा, लेकिन 2 का भी भारत सरकार ने 2-3 साल के बाद भारत सरकार ने 2 ही जगह अनुमति दिया है। तो यहां पर कोई भी काम करने से भारत सरकार अड़ंगा डालती है, भेदभाव करती है, लेकिन इस बात का कुछ ही है। आज हम लोग 4 साल में 6,000 लोगों को नौकरी दिए हैं, 6,000। हम लोग उद्योग नीति में पहले 80% नीति बनाए थे, पिछले सरकार ने 90 के ही शुरू आए थे। तो आज हम लोग जो निश्चित स्तर के जितना भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 100% लोग को उद्योग नीति में शामिल किया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें शामिल करना है। आज उसके साथ साथ ये बड़ा उद्योग छोटे उद्योग लगाने के साथ साथ तुम्हारा सरकार ने यह भी तय किया है, गोठान में भी 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन है। तो इस बात का खुशी है कि भूपेश बघेल का सरकार जो गोठान में गोबर खरीदी, कंपोस्ट खाद बनाने में, मछली पालन में, दाल मिल लगाने दाल मिल और गोबर से अभी पेट बन रहा है। मैं अभी कांकर जिला में परसों ही गया था, नोवा गांव में 150 लोगों को रोजगार मिला है, पेंट से गोबर बन रहा है। हमारा सरकार तय किया है जो सरकारी बिल्डिंग जो भी बनेगा, चाहे स्कूल हो, आश्रम हो, चाहे बिल्डिंग हो, हम लोग गोबर का पेंट को ही पोतेंगे। इस टाइप का रोजगार देने में बस्तर में मुर्गा पालन, मछली पालन, ये छोटे उद्योग को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये पहला बार भूपेश बघेल का सरकार बड़े उद्योग भी लगे, छोटे लोग भी। हमारे दंतेवाड़ा बस्तर में डेनिस कोल एंड डेनिस जो पढ़े लिखे नौजवानों मशीन में सिलाएंगे, तो अभी पहले हम लोग मुंबई से कपड़ा मांगते थे, अब बस्तर का कपड़ा मुंबई जा रहा है, बस्तर के आदिवासी लोग सिलने वाला कपड़ा बंगलोर जा रहा है, बस्तर का महुआ लंदन जा रहा है, 130 रुपया में 40 रुपया में खरीदने वाला महुआ
116 रुपए किलो हम लंदन जा रहा है, वहां का सीताफल लंदन जा रहा है, वहां के काजू लंदन जा रहा है, जगदलपुर में काफी पैदा हो रहा है, केला काफी पपीता। तो आज बढ़ते जनसंख्या में भारत सरकार तो रोजगार देना बंद कर दिया, 2 करोड़ हर साल लोग रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ का 8 साल बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है, 8 साल में 8 लोगों को नौकरी नहीं मिला, आवाज आज को बेच दिए, बड़े बड़े फैक्ट्री रेलवे को बेचने का काम चल रहा है। तो इसलिए भारत सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार 0 रोजगार में नंबर 1 सरकार है। तो इसलिए हम लोग उद्योग विभाग में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जो भी पहले एक आदमी उद्योगपति लगाने के लिए जवान में लगाता था, वो बुढ़ा होने के बाद उसको पूरा काम होता था। हम लोग कोई भी उद्योगपति लगाएंगे सिर्फ उद्योग विभाग से, चाहे पर्यावरण हो, पानी हो, लाइट हो, सब एक ही ऑफिस में पूरा कागज मिलेगा। पहले घूम घूम के बिजली विभाग अलग जाओ, पर्यावरण में अलग जाओ और पानी वाला में अलग जाओ, ये सारे परेशानी को दूर करके भूपेश बघेल ने एक साथ करने का कोशिश, छत्तीसगढ़ ने पूरा हिंदुस्तान में एक काम करने का कोशिश किया है। आपने गोबर पेंट की बात की, क्योंकि गोबर को लेकर आपने देखा कि शुरुआत में बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट भी किया, काफी उसको लेकर सुर्खियां भी बनी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया जिसमें गोबर के पेंट को लेकर काफी तारीफ की, जिस गोबर के पेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता एक नई क्रांति छत्तीसगढ़ लाने जा रहा है इस गोबर पेंट के जरिए? ये छोटा सा छत्तीसगढ़, 4 साल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, 4 साल में 15 सरकार पार्टी का मुख्यमंत्री 15 साल, एक पार्टी का मुख्यमंत्री 4 साल। हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर ही नहीं, ये मैं अभी 20 में गया था, विदेश भी गया, कनाडा गया था, इंडोनेशिया गया था, वहां भी ऐसा सरसा चल रहा है। मैं बोला छत्तीसगढ़ से हिंदुस्तान से आया हूं, इंडिया से आया हूं, छत्तीसगढ़ से वही है छत्तीसगढ़ क्या गोबर खरीदने वाला। आज नीति आयोग की बैठक में देश का प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बता दिया है, नितिन गडकरी ट्वीट कर रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो निया के नेता है उनको पेट दर्द होगा, क्योंकि उन लोग कर नहीं पाए 15 साल में। 15 साल एक आदमी, एक सरकार को, एक पार्टी को मौका मिला था, उनको कर ही नहीं पाए तो क्या करें। एक बात और, क्योंकि कांकेर का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, मिलेट्स को लेकर जो बातचीत हुई मोटे अनाज को लेकर, और कांकेर में तो बहुत बड़ा संयंत्र खुलने जा रहा है मिलेट्स को लेकर, मिलेट्स का व्यंजन तो आपने भी चखा विधानसभा में, तो मिलेट्स भी एक नई दिशा दिखाएगा छत्तीसगढ़ को। आज इस बात का खुशी है कि पिछले दशहरा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दशहरा होता है बस्तर में, मुरिया दरबार में हम लोग गए थे, 6 तारीख को जो जगदलपुर में मुरिया दरबार था उसके साथ मैं हेलीकॉप्टर में आया साथ में, कि कांकेर में जो हमारा कोदो कुटकी चावल पूरा हिंदुस्तान में इतना बड़ा फैक्ट्री अगर हमारे कांकेर में लगा है, और माननीय प्रधानमंत्री तो तारीफ करेगी, और उस अनाज को खाएंगे, उस अनाज को पहले के लोगों को शुगर नहीं होता था, पहले के लोगों को बीपी नहीं होता था, क्योंकि उन लोग कोसरा का चावल, कोदो का चावल, कुटकी का चावल खाते थे। हम लोग अभी हाईब्रिड का चावल खा रहे हैं, उनके कारण छोटा चावल खाएंगे, एसी भी कराएंगे, उसके कारण शुगर बीमारी फैल रहा है। इसलिए हमारा सरकार का विचार है, बड़े बड़े होटलों में भी और बड़े हमारे आश्रम, आंगनबाड़ी,
ये सवाल अगले साल से चालू करेंगे, अभी इसी क्षेत्र से चालू करेंगे, क्योंकि बच्चे अच्छा हो, आदिवासी बच्चे हो, गरीब बच्चे हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो आश्रम में रहता है, मजबूत हो। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक कोदो कुटकी का उद्योग नहीं है जितना बड़ा कांकेर में। और यही छत्तीसगढ़ है जिसने समर्थन मूल्य पे कोदो कुटकी की खरीदारी शुरू की, किसी राज्य में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ ही पहला स्टेट है। ये भूपेश बघेल का जादू है। और लखमा जी का, लखमा जी का मदद है, सत्यनारायण शर्मा का, हमारा विधायक का, सबका सहयोग होगा, लेकिन कप्तान तो एक ही है ना जी। तो इसलिए हमारा 15 साल में यही दानकारी जी होता था, या दानकारी समर्थन मूल छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार उस समय सत्यनारायण शर्मा मंत्री थे, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हम लोग समर्थन मूल्य खरीद के निकले, दिल्ली गए थे अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, हम लोग को वहां बंद किया गया था। उस समय दान कितना फायदा होता था, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1000 क्विंटल, आज कितना दान फायदा हो रहा है। ये कोदो कुटकी को समर्थन मूल्य देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है छत्तीसगढ़। हर हिंदुस्तान में दान खरीदने वाला 2640 रुपए में दान खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार, और आने वाला समय में 2700-2800 रुपया दान खरीदी होगा। हमारा छत्तीसगढ़ का किसान, चाहे बस्तर का हो, सरगुजा का हो, रायपुर का हो, किसान के पास पैसा रहेगा, आम आदमी के पास पैसा रहेगा तो बाजार रौनक रहता है। सोना चांदी ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, 15 साल में जितना ट्रैक्टर नहीं बेचा है, 15 साल में जितना मोटरसाइकिल नहीं बेचा है, 15 साल में जितना सोना नहीं बेचा है, 15 साल में जितना गाड़ी नहीं बेचा है, उतना छत्तीसगढ़ का बेपर चला है। क्योंकि आदिवासी के पास, आदिवासी लोग कर्जा में फायदा होता था, कर्जा में किसान मरता था। आज आदिवासी लोग, चाहे किसान हो मजदूर हो, हम लोग भूमिहीन किसान को पैसा, और चीरा गुंडिया को, हमारे तरफ चीरा गुंडिया मोहरा मोरिया देवी देवता को पूजते मोरिया, और उसके साथ साथ हमारे चीरा गुंडिया पूजा करते हैं। देवगुड़ी बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। अब बस्तर में जाके देखो, देवगुड़ी बन रहा है, गोटुल बन रहा है, रोड तो, सड़क तो, पुलिया तो आजादी के बाद भी बनते थे, आजादी के पहले भी बनते थे, लेकिन ये देवगुड़ी वगैरह कोई नहीं बनाता था। भूपेश बघेल ने पूरा देवगुड़ी बना रहा है। आज भेंट भूत का मुलाकात कार्यक्रम में घूम रहे भूपेश जी, मुख्यमंत्री जी, तो उसके सबसे मांग आ रहा है कि हम लोग को बैंक खोलो। बैंक में शहर में ब्लॉक में बैंक होता था, वह लाइन लगना पड़ता है, कभी दान का पैसा, तेंदुपत्ता का पैसा, गोबर का पैसा। आज हमारा मुख्यमंत्री ने हाजी शायद 17 करोड़ रुपया राजीव गांधी मितान क्लब को आज ही बटन दबाया, दूसरा किस्त, पहले किस्त दिया था, अभी दूसरा किस्त बटन दबा दिया। तो इसलिए हमारा सरकार साथी है, आम आदमी, आम किसान, गरीब, उनके जेब में पैसा कैसे जाए, वो मजबूत कैसे हो। गांव, महात्मा गांधी सपना सोचा था गांव का राज होना है, ये भूपेश बघेल उसको लागू कर रहा है। गांव के लोग बहुत खुश है, कबड्डी खेल रहा है, खो-खो खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, मतलब तुम्हारा पोला तीजा आदिवासी विश्व दिवस, सबको छुट्टी देने वाला भी हिंदुस्तान का पहला सरकार है। ये 15 साल तो किए नहीं कुछ, 15 साल में रमन सिंह काली क्या बांटता था, टिफिन जूता, वो तेंदुपत्ता वाला जूता, 12 नंबर वाला को 15 नंबर, 15 नंबर वाला को 12 नंबर, और डबका का जूता को डबकी को देना है, डबकी वाला को डबका को, यही काम के 15 साल बीत दिया। कभी बिजली त्योहार मनाता था, बिजली तो आजादी पहले बना है, ये बिजली त्योहार मना रहा था,
तो इसलिए हमारा सरकार ने 4 साल में छत्तीसगढ़ को सजाने में, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, भूमिहीन किसान हो, तेंदुपत्ता तोड़ने वाला मजदूर हो, गोबर भेजने वाला आम आदमी हो, अब बहुत खुश है। हेमंत, मुझे लगता है कि आपका एक सीएसआर से संबंधित प्रश्न है, लेकिन उसके पहले डीएमएफ फंड को लेकर हमने देखा कि पहले लोग स्विमिंग पूल बना लेते थे, मैंने इसके पहले भी सवाल किया, अब डीएमएफ फंड का उचित तरीके से उपयोग हो रहा है डीएमएफ फंड का, लगता है आपको मंत्री जी? 15 साल में रमन सिंह डीएमएफ के फंड को आप ही लोग देखे होंगे। मैं सुकमा में एक डीएफओ स्विमिंग पूल बनाया था, मजता गाड़ी ले जाके पाट रहा था, लिफ्ट बना रहे थे, स्विमिंग पूल बना रहे थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग का बाथरूम बना रहे थे, रेस्ट हाउस बना रहे थे। इस बात को अच्छा है कि डीएमएफ बच्चे हमारा बस्तर में बड़े बड़े रेस्ट हाउस बना दिए, लेकिन रोड सड़क नहीं बना, आम आदमी का काम नहीं कर रही थी। आज भूपेश बघेल का सरकार, हम लोग प्रभारी मंत्री को उसमें शामिल किए थे कि प्रभारी मंत्री डीएमए का पैसा एमएलए जिला पंचायत जनपद पंचायत मिलकर उस पैसा को बांटना है। 1 साल चला था, ऊपर से फिर आदेश आ गया नहीं कलेक्टर करेगा, यह थोड़ा गलत हुआ है। तो कलेक्टर को फिर देना, वो दिल्ली से कागज आए कि प्रभारी मंत्री उसमें नहीं है, एमएलए को छोटा मेंबर रहेगी। तो उस हमारा सरकार ठीक कर रहा था, ऊपर से फिर आया वही डंडा कि नहीं दान करी दी। मैं 2019 में हम लोग 2500 में दान करी दी हुआ, मोदी जी दिल्ली का सरकार ने भेज दिया कि अगर 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तुम्हारा सवाल नहीं लेंगे। फिर हम लोग भूपेश बघेल ने, मैं आदिवासी को वायदा किया हूं, राहुल गांधी चुनाव में घोषणा किया है हम देंगे, इसलिए हम लोग राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। ये जो डीएमए का पैसा, अच्छा सवाल उठाए, उस पैसों को भी हम तरीका से एमएलए जनप्रतिनिधि चुनाव जिला पंचायत महापौर सब लोग मिलकर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में उसको बना दिए थे, उसको भी वरिष्ठ जनता पार्टी को बहुत पेट दर्द हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कलेक्टर और सांसद रहेंगे, हम भी तो सुने, हमारा उससे हटा दिए, ये पूरा तरह गलत हुआ है। मंत्री महोदय, राजधानी से लगा हुआ धरसीवा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग सैकड़ों उद्योग हैं, यहाँ पे लोग प्रदूषण से यहाँ पे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो शासकीय नुमाइंदे हैं यहाँ झांकने तक नहीं आते। उद्योग नीति में आप इसे किस तरह से देखते हैं, या आपकी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ऐसा कोई नीति बनाए? ये मैं तो सरकार का आदमी हूँ, मैं उद्योग मंत्री हूँ, लेकिन मेरा ये जो सवाल उठा है ना, ये प्रदूषण तो हमारा पास नहीं है, आपको भी मालूम होगा किसके पास है, पर्यावरण विभाग अलग है जी, वो मंत्रालय किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ये पर्यावरण विभाग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मोहम्मद अकबर माननीय वन मंत्री के पास है जी। मैं वन मंत्री से जरूर बोलूंगा, मेरे को उस क्षेत्र में गया था कि प्रदूषण का कुछ इकाइयां ऐसी होती है, कुछ मॉनिटर होता है जिसको सेट करना होता है उद्योगों को कि जिससे प्रदूषण कम हो, लेकिन रात्रि के समय शायद उसको मतलब हमारा विधायक भी एक बार विधानसभा में भी जी इस बात को उठाई है, जागरूक विधायक है, तो इसलिए इस बात को आज अगर इतना बड़ा मंच में आप लोग मेरा सवाल किया है, सरकार का सम्मुख सरकार चलता है, लेकिन ज्यादा अधिकार जिसको विभाग रहता है जी जी उसको टेक करने का ज्यादा अधिकार मिलता है, इसलिए मैं इस बात को मैं जरूर हमारा मंत्री पद पहुंचा दादी, चूंकि हम लोग औद्योगिक विकास मेरा क्या है जी, मैं उद्योग मंत्री हूँ, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, ये उद्योग लगने के बाद जमीन देने समय कौन करता है, राज्य सुविधा विभाग जमीन उतर करता है, मोजा वो देता है, राजस्व विभाग कितना जमीन लगेगा, मोजा कितना देना है, राजस्व विभाग देगा। मैं जो उद्योग लगने के बाद जो परसेंट देना है, क्या बोलते हैं, सब्सिडी सब्सिडी जी,
मेरे को इतने अधिकार है उद्योग मंत्री को, काली सब्सिडी दो जी, जमीन देने का अलग है, राजस्व विभाग, पर्यावरण अलग है, और बच्चे मतलब क्या नाम लेबर, वो हमारे नगर निगम मंत्री के पास है, ना लेबर को मैं देख सकता हूँ ना पर्यावरण को। चलिए ठीक है, चार साल की उपलब्धियों पे कुछ चर्चा कर लीजिए इसी विभाग में। मैं इसी विभाग में चार साल में तो पहले उसी से शुरुआत किया जी, 5000 लोगों को ऊपर लोगों को नौकरी मिला जी, और कोरोना कारण हम लोग इतना इतना काम किए, ये नीति बनाए वो तो पहले मैं बोल दिया जी। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो इकाइयां काम करती है, खासतौर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी तो इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है, छोटे से स्वरूप में अगर देखा जाए। अभी हमारे घोषणा पत्र में फूड पर देने का घोषणा पत्र में है जी। मैं अभी तक चार साल में कोरोना पलाना ढेकाना कारण नहीं हो पाया, सुकमा में हुआ है, सीतापुर में कई कई हुआ है, हमारे इधर क्या जिला हुआ हुआ, अभी 300 लोगों का टेंडर डला हुआ है, इसी महीना में खुलेगा, हमारा पहला पार्क मिलता है, उसको अभी 2-4 महीना बचा है, उसको पूरा करना है। हर जिला में, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में हम लोग भूमि भूमि चिन्हित करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये फूड पार्क करने में भी भूमि उनसे लेना, राजस्व विभाग से, फिर वो हमको देगा, एलओसी पेलोसी दुनिया भर का किसान अड़ंगा डलता है, कुछ जो जमीनिया तोड़ के वहां करना है, इसलिए थोड़ा लेट लगा है, और तुम्हारा कोरोना कारण भी लेट लगा है, 300 का भी टेंडर डल चुका है। हमारा कोशिश होगा कि चुनाव के पहले हर जिला में, हर ब्लॉक में वही था अच्छा है, और नहीं हुआ तो हर जिला में तो फूड पार्क खोलेंगे, हमारा वायदा है। दादी एक चीज और कि हमने देखा कि जैसा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे है, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र आपने हर जगह चिन्हांकित कर रखा है, नए जिलों में भी चिन्हांकित किया गया है, उन छोटे जगहों पे उद्योग को ले जाना आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि उद्योगपति तो देखते हैं कि कैसा एटमोस्फेयर है वहां पे उनके उद्योग लगाने के लिए। मतलब उद्योग तो सरकार नहीं लगाती है, सरकार मदद प्रोत्साहन देती है, सरकार जमीन देती है, पानी देती है, लाइट देती है, जमीन देने का अधिकार हमको है। अगर उद्योगपति तैयार होगा ना, वही तो शुरू में बोला, अगर एक आदमी छोटा उद्योग लगे, बड़ा उद्योग लगे, पहले वाला उद्योग नीति में एक जवानी में चालू करने के बाद बुढ़ापा में उसको एलओसी मिलता था, उसको हम लोग सरल कर दिया है, बिजली विभाग पास, पानी वाले के पास, तुम्हारा मतलब सिंगल विंडो कर दिया, सिंगल विंडो कर दिए, और पर्यावरण के पास जाना, ये जाना हो जाना, अभी सिर्फ उद्योग विभाग होगा जी, उसमें समिति होगा जी। अगर हम लोग सबसे ज्यादा इस बात का भी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्योगपति लोगों को लोकल लोग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि लोकल लोग यहाँ उद्योग लगाए, उनको फायदा हो जी। चलिए इस मंच में आखिरी में कुछ अहम बात, कुछ आखिरी संदेश आप देना चाहें इस मंच से। मैं इस मंच से आखिरी में ही कहना चाहता हूं कि हमारा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व का सरकार 4 साल पूरा की है, आने वाला सर हमारे चुनाव पहुंचा है, 2023 में हम लोग 1-2-4 महीने के बाद चुनाव में जाएंगे। जो काम अभी हम बोल रहे थे, मैं बोल रहा था जब महामारी हुआ, हम लोग यहां का ऑक्सीजन पूरे देश में बटा है, यहां का जो काम है भूपेश बघेल का, चाहे दान खरीदी हो, गोबर खरीदी हो, भूमिहीन किसान हो, देवगुड़ी हो, सड़क हो, चाहे हमारे पंचायती राज में पंचायत का सचिवों को, वार्ड मेंबर को पहले 15 साल में 200 रुपया मिलता था, हम वार्ड पंच को 500 रुपया दिया, जनपद सदस्य को 1500 रुपया मिलता था, हम लोग अभी 5000 किया, जिला पंचायत सदस्य को 6000 मिलता था 10000 किया, और नगर निगम नगर पालिका में
जिसको 7,000 मिलता था उसको 15,000 डबल, जिसको डबल, दो दुनी चार खुशियां आप पा रही, यही तो मेरा थीम भी है, हम लोग का थीम यही है कि मतलब जिसको 7,000 मिलता था 15,000, जिसको 10,000 मिलता था 20,000। और हमारा सरकार आके मोर मकान मोर जमीन, 8,000 क्लिनिक, हमारे आश्रम हॉस्टल में अभी फूड पोस्टिंग देना है, अंडा बांट रहे हैं, तेंदुपत्ता का रेट 2500 रुपए 4,000, ये सारे मुद्दा किया है भारतीय जनता पार्टी 15 साल में। ये जो छत्तीसगढ़ को चूस दिए थे, छत्तीसगढ़ को लूटा दिया थी, 2000 आने वाला 23 का चुनाव में मैदान में जनता के पास यही मुद्दा लेके जाएंगे। यहां पर चाहे किसान हो, मजदूर हो, यहां के लोग मेहनत कश लोग हैं, इसमें कोई कमी नहीं की हमारा सरकार। हमारा सारा मुख्यमंत्री का ये पहला योजना है, आम आदमी का जेब में पैसा जाए, चाहे कैसा भी जाए, चाहे सीरा गुंडिया के माध्यम से जाए, भूमिहीन किसान के माध्यम से जाए, चाहे दान खरीदी के माध्यम से जाए, राजू गांधी किसान के माध्यम से जाए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का आम आदमी, छत्तीसगढ़ का व्यापारी, बहुत कुछ है। तो 2023 का चुनाव हमारे फुल बहुमत में, अभी तो 71 है, हम लोग पूरा चाहते हैं कि 90 के 90 चुनाव जीते, इसका लाभ जनता में बताए तो उसका लाभ हम लोग को, हमारे पार्टी को मिलेगा। तो हमारे देश का नेता राहुल गांधी जी, इस देश में नफरत और इस देश में समाज से समाज लड़ाने काम हो रहा है, देश में नहीं दुनिया में, बड़े बड़े विकसित देश, अमेरिका और रूस हो, चाहे चीन हो, हिंदुस्तान को देखता है। तो हमारा राहुल गांधी साहब का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगातार पदयात्रा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगंडा चालू किए थे, राहुल गांधी का पदयात्रा को देख के दिल्ली पहुंच रहा था, तो एक जारी किए थे कोरोना हो रहा है, कोरोना पूरा प्रतिबंध होगा। राहुल गांधी बोला कोरोना होगा तो मेरे को होगा, मैं भी आदमी हूं, मैं पदयात्रा बंद नहीं करूंगा। और मध्य प्रदेश जैसा पहुंचा, वो मंदिर क्या नाम है, नर्मदा अमरकंटक की बात कर रहे हैं क्या, नरसिंहपुर, राहुल गांधी दर्शन करने गए थे, उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन महाकाल में वो एक नोटिस जारी कर दिया कि कोई भी उज्जैन में महाकाल में पूजा करेगा फोटो वाले नहीं होगा। कितना प्रोपेगंडा करके देखे, कल एक हीरो गए था फोटो आ रहा है, अभी सब राशि भी जाता है फोटो आ रहा है, रोकने का राहुल गांधी को रोकने का प्रयास, ये दो मुद्दा फेल हो गए इन लोग। एक को कोरोना नाम से पदयात्रा बंद करो, अकाल मंदिर के पास जाके फोटो वाली नहीं करो, फिर झूठ बोल रहे थे पाकिस्तान का नारा लगा दिया, कितना झूठ के ऊपर झूठ। लेकिन हिंदुस्तान का जनता देख रही है, मैं परसों नरसों टीवी देख रहा था, मैं टीवी देखने का आदत है तो इंडी टीवी देख रहा था, इंडी टीवी ने यह चुनाव के बारे में पूछा, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम से जाएगा, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो नारा से जाएगा। तो जनता को मत लिए कि भारत जोड़ो में कितना लोग है समर्थन देंगे, वोट करेंगे, और राम मंदिर के पक्ष में कितना लोग, आप लोग कोई देखे होंगे नहीं देखे होंगे 10 बजे रात को, तो मैं देखा पहला बार बड़ा न्यूज वो कवर किया है कि दोनों पार्टी बड़े पार्टी एक बार भारत जोड़ो आंदोलन मैं सुनाओ 2024 में 2023 में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम से जाएगा। राम मंदिर के पक्ष में 26 लोग वोट दिए और भारत जोड़ो आंदोलन वाले को 60 लोग वोट दिए। धीरे धीरे राहुल गांधी को बड़े टीवी न्यूज तो देखा ही नहीं, बंद कर दिए थे,
ये बड़ा आका लोगों को बंद करके रखे थे, लेकिन मजबूरी, उसके साथ छोटे बड़े बच्चे। आज छत्तीसगढ़ में तो ठंड नहीं है ज्यादा, तुम्हारा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आदमी घर से निकल नहीं पाते 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके एक टी शर्ट एक शर्ट पहन के राहुल गांधी पदयात्रा कर रहा है। ये दूसरा भगवान का रूप है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 3500 किलोमीटर आज तक आजादी पहले महात्मा लोग भी किए और नेता लोग भी किए, लेकिन 3500 किलोमीटर कोई भी आदमी पदयात्रा नहीं किया है। इसका लाभ 2023 को भी और 2024 को भी, यहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, बड़े उद्योगपति छोटे उद्योगपति परेशान है, दो उद्योग तीन उद्योगपति के में चल रहा है। इसलिए आने वाला 2024 के देश का जनता राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। ये बड़ा परिवर्तन होगा, 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये जनता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं और जनता इसका फैसला निश्चित तौर पर करेगी अपने जनादेश के जरिए। ये लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान है। जी जी जी, जनता जो फैसला करेगी। अभी आपने भगवान का दर्जा दिया राहुल गांधी को, भगवान का दूसरा रूप है। बहरहाल, महात्मा और भगवान के दर्जे को लेकर बहुत सारी सियासत हो चुकी है देश की राजनीति में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी दर सेवा का यहाँ के नौजवान को और यहाँ पर आप अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो मदद करने बैठे हैं उनको और आप लोगों को मेरे को बुलाए, मैं धनतेरस से दौड़ते दौड़ते आया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। तालियों से एक बार स्वागत करें। एक विस्तृत चर्चा के बाद हम निवेदन करते हैं महाअर्णा मीडिया की डायरेक्टर माननीय नम्रता गांधी जी से कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय कवासी लखमा जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद आपका। एक बार तालियों के साथ विदा करेंगे अब माननीय मंत्री जी को। इसके बाद